सो है गाइस, दिस साइड एम के बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का अपना वीडियो एक नॉर्मल बेसिक सा किकअप का, जिसका ट्यूटोरियल मैं बनाने वाला हूँ। किकअप एक नॉर्मल सी फ्लिप है जो मूवीज़ और हीरो में, मतलब स्टंटमैन जो करते हैं मूवीज में, एंड दिखने में बहुत ही प्यारी और सेक्सी फ्लिप दिखती है गाइस। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, तब भी आप एक चीज़ समझ पाओगे गाइस, ओके ना। तो चल दो। सो गाइस, सबसे पहले अपनी पोजीशन होने वाली है कुछ इस तरीके से, एंड अपने को ये चीज़ करनी है पहले। ये चीज़ बार बार करते हैं हम आपको, एंड और इसमें आर्च बनाना भी बहुत जरूरी है गाइस। सो अपने को ना आर्च भी, मतलब हाथों का फोर्स भी लेना नीचे से और पैरों को ऊपर की तरफ फेंक के आर्च बनाना, तभी फ्लिप बहुत आसान हो जाएगी गाइस। मैं आपको करके बताता हूँ नॉर्मल ऐसे करके गाइस। बस बार बार ये ट्राई करते रहोगे ना आप, तो आपका क्लीन हो जाएगा गाइस। ये करते रहना, आपको ऐसे बार बार ही करोगे ना तो एकदम स्मूथ हो जाएगा आपका ये। आपको करके मतलब थोड़ा सा घिर के बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आप बार बार ऐसे ही गिरोगे ना, तभी आपका अच्छे से क्लीन होता जाएगा, ठीक है ना। तो मैं करके बताता हूँ आपको, ये करना, ये ऐसे करना गाइस, बार बार ऐसे गिरते जाना है गाइस। अगर आपका आ जाता है एकदम सीधा तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार ये चीज़ तो आपको करते जाना है। अगर ये कंटिन्यू करोगे ना तो आपका एकदम अच्छा आएगा गाइस। ये करते जाना आपको, ओके। सारी चीज़ें एक साथ इसको मिला के करते हैं एंड कंप्लीट करते हैं अपना। अपने को पीछे का रोल भी लेना है और अपना हाथों का फोर्स भी लेना है और अपने को आर्च में भी लेना है इसको। सो मैं आपको करके बताता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आएगा। सो गाइस देखिए, फिर से देखिए, फिर से करता हूँ मैं। सो ये चीज़ अपने को बार बार करते जाना है, तब तक ये बहुत स्मूथ हो जाएगा गाइस। एकदम स्टैंडिंग आओगे आप, एकदम स्टैंडिंग। फिर से करता हूँ, ये चीज़ करते जाना आपको। अगर ये चीज़ आप बार बार करोगे ना तो एकदम अच्छी आएगी और एकदम प्यारी फ्लिप हो जाएगी गाइस। क्योंकि आप मूवीज़ में देखते हो, आप स्टंटमैन को देखते हो, कितनी ईजी तरीके से करते गाइस। बार बार ही प्रैक्टिस करने से ये चीज़ क्लीन होती है और कुछ नहीं है। एक बार और करता हूँ मैं, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको हाथों का फोर्स लेना है, आर्च में भी लेना है और आपको किक भी करनी है, बस ये चीज़ नॉर्मल है। और आप इसे बार बार करते जाओगे ना तो आपका क्लीन हो जाएगा। सो गाइस, आपने देखा कि बार बार ये, मतलब जो आप ये करोगे ना कि बार बार ऐसे गिरोगे, लेकिन आप सीख जाओगे एकदम अच्छी तरीके से। एंड गाइस, इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप सीख पाओगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं सीखा जाता है। आप लोगों को भी पता और मुझे भी पता है कि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा एंड इसको कंटिन्यू, अगर दिन में आप 10-20 बार भी ऐसे ट्राई करते हैं ना, अटेम्प्ट करते हैं ना, तो आप फटाफट से सीख जाओगे गाइस। एक दो दिन में तो आराम से सीख जाओगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस चीज़ का बनाऊं गाइस, ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। एंड कीप लविंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, आप लोग का प्यार बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। सो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।